सवाईमाधोपुर जिले के उपखंड बौली की हथडोली सरपंच की बजरी माफियाओं द्वारा की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 7 दिन बाद ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नामजद 8 आरोपियों में से 4 आरोपियों को दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जांच अधिकारी के मुताबिक हथडोली निवासी पुखराज गुजर, मनराज गुजर, राजेश गुजर और लोकेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस की स्पेशल टीम दबिश दे रही है। वहीं बता दें कि घटना में काम में ली गई बोलेरो कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। 14 फरवरी को देर रात में खनन माफियाओं द्वारा हथडोली सरपंच की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया था। हत्याकांड को निस्संदेह जघन्य हत्याकांड था और जिसमें बजरी माफिया के द्वारा एक सिटिंग सरपंच का मर्डर किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मानव सिंह यादव साहब ने भी पूरे दिन थाने पे अपना कैंप किया, डायरेक्शंस दिए और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई जिसमें सीओ, ग्रामीण मल्लाना, डूगर एसएचओ, बौली एसएचओ और बाकी ऑफिसर्स थे। बिना किसी मोबाइल कॉल डिटेल के, बिना किसी मोबाइल लोकेशन के, बावजूद हमारी इसमें जो सफलता मिली,